नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर बाराबंकी से है। तहसील हैदरगंज सुबेहा क्षेत्र में वर्षों से लगातार खुलने वाला धान क्रय अब की बार गल्ला अधिकारियों की भेंट चढ़ गया है। किसानों का सैकड़ों कुंटल धान बाहर पड़ा, बारिश की भेंट चढ़ रहा है। सुबेहा क्षेत्र का किसान 50 किलोमीटर की दूरी पर हैदरगढ़ स्थित धान क्रय केंद्र पर जाता है तो वहां पर 3 महीने बाद फरवरी का टोकन दिया जाता है, जिसके चलते अब किसान की गेहूं की बुवाई भी प्रभावित हो रही है। यह किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। सुबेहा क्षेत्र के कोरा गांव से तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी धान केंद्र नहीं खोला गया है। सुबेहा क्षेत्र के किसानों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द सुबेहा क्षेत्र में धान क्रय केंद्र नहीं खोला गया तो हम सभी किसान मिलकर सीधे रोड पर आग लगाकर जला देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मध्याचल ब्यूरो रविंद्र कुमार मिश्रा के साथ वेद कुमार तिवारी की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? शांति भूषण त्रिपाठी। कहाँ रहते हैं? कुटी योगान ग्राम सभा किरसिया। तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा जो भी धान उपज में हुआ है उसका कोई खरीद नहीं है, ना तो कोई काटा पे खरीद हो रही है, ना तो कोई रोजगारी खरीद रहे हैं, और इस बारिश के मौसम में धान बाहर हमारा सड़ रहा है। कांटा नहीं लगा यहाँ पर? कांटा यहाँ कहीं कोई नहीं लगा है। सुबेहा से लेकर हैदरगढ़ के बीच में कोई यहाँ पर कांटा नहीं है। 40-45 किलोमीटर की दूरी बन रही है, और इस स्थिति में हम धान को कहाँ को ले जाए, क्या करें, आगे की बुआई कैसे करें, जब हमारी उपज का को मूल्य नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से। यहाँ जो छोटे व्यापारी हैं क्या रेट ले रहे हैं? छोटे व्यापारी कोई 7 रुपया, कोई 8 रुपया, वो भी जबरदस्ती समझिए, कोई पूछ नहीं रहा है न ले रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या मांग सरकार से? मांग सरकार से यही है कि हमारे यहाँ पास में कमेला है नजदीक, जो कम से कम 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर लगाया जाए। गेहूं में यहाँ पर काटा लगाया गया था जिससे किसानों को सुविधा मिली थी, वही हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पास में कम से कम ये सुविधा दी जाए, ताकि हमारे पास के कुछ किसान जो भी है उपज उनकी यहाँ पर ली जाए।